केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान आज रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती समारोह में शामिल होंगे और लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सीमा सुरक्षा बल की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। शाह की राजकीय यात्रा कोलकाता से जोड़ा सांकू ठाकुरबाड़ी में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ शुरू होगी। आपको बता दें कि महान बंगाली कवि के जन्म के उपलक्ष में 9 मई को रविंद्र टैगोर की जयंती मनाई जाती है। टैगोर बंगाल के कवि और गुरुदेव के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने कला, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। टैगोर को उनकी कविता संग्रह गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्होंने भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका की राष्ट्रगान की भी रचना की थी। टैगोर जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के बाद शाह भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में एकीकृत जांच चौकी पेट्रापोल में लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और BSF के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे।